24 फरवरी 2022 रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक से मीडिया के सामने आते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं, जो सुनकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की रूह कांप जाती है। वो कहते हैं कि यह पुतिन के राजनीतिक करियर का सबसे बुरा फैसला है और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी खड़ी है। जी हाँ, नाटो यानी 30 यूरोपियन और 2 अमेरिकन देशों का वही ग्रुप जिसे एक तरह से रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच ये महायुद्ध शुरू हुए आज 2 साल से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो की तिकड़ी साथ मिलकर भी रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इस घातक जंग में ना तो रूसी मिलिट्री की ताकत में कमी आई है और ना ही ग्लोबल लेवल पर लगे दर्जनों सैंक्शंस से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो पाई है। दूसरी तरफ यूक्रेन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और तो और रूस जितना ही शक्तिशाली इजराइल भी मिडिल ईस्ट में जंग लड़ते हुए 1 साल में ही अपने हथियारों का जखीरा खाली कर बैठा है और उसकी मिलिट्री ताकत भी कमजोर हो रही है। तो फिर रशिया का सैन्य बल आखिर कितना शक्तिशाली है कि 2 सालों की घातक जंग के बावजूद उनकी ताकत में जरा सी भी कमी नहीं आई? और रूस के पास ऐसे तो कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका नाम सुनते ही अमेरिका, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के पसीने छूट जाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पिछले कुछ दशक में हम रूस, यूक्रेन, तालिबान, अफगानिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध देख चुके हैं, जिसमें शामिल होने वाले सभी देश गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अफगानिस्तान से लेकर फिलिस्तीन, यूक्रेन से लेकर इजराइल तक सभी को इन संघर्षों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन जहां इजराइल अमेरिका की मदद ले रहा है, यूक्रेन के साथ नाटो के 32 यूरोपियन देश खड़े हैं, वहीं रशिया बिना किसी मदद लिए अपने दम पर अकेले जंग लड़ रहा है और उसकी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर घटने के बजाय बढ़ गई है। आसान शब्दों में रूस इस युद्ध में न सिर्फ अंधे पैसे छाप रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है, क्योंकि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें उसके तेल के कुएं भी शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को प्यादे की तरह इस्तेमाल करने वाला अमेरिका खुद वार फ्रंट पर आकर सीधा रशिया से पंगा नहीं ले रहा। मगर क्यों? तो इसके पीछे कारण है सोवियत संघ के समय से रूस के हथियारों के साथ लगाव। दरअसल सोवियत यूनियन के समय से रूस की सैन्य ताकत हमेशा से अव्वल दर्जे पर रही है, क्योंकि रूस अपने सालाना बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अपने मिलिट्री यानी रशियन आर्म्ड फोर्सेस में इन्वेस्ट करता है। और जंग शुरू होने के बाद रूस का मिलिट्री बजट जो 65 बिलियन US डॉलर्स था, वो बढ़कर 100 बिलियन US डॉलर्स के पार पहुंच चुका है। यानी एक तरफ जंग में हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका और नाटो भी रूस की मिलिट्री ताकत को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रूस के सोवियत यूनियन के समय का पुराने हथियारों का जखीरा पड़ा है, जो इतना बड़ा है कि उसे खत्म करने के चक्कर में रूस पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। और इस वक्त रूसी सेना इन्हीं पुराने हथियारों को अपग्रेड करके जंग में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रूस की मिलिट्री कितनी ताकतवर है और उसके सबसे खतरनाक हथियार कौन से हैं जिनसे अमेरिका भी खौफ खाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज रूस के पास लगभग 11.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वहीं 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेज 3 भागों में बटी हुई है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज और एयरबर्न फोर्सेज। वहीं रूस ने 2013 में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज भी स्टैब्लिश की थी, जो इतनी घातक है कि कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसे पूरा करके ही दम लेती है। लेकिन रूसी सेना की असली ताकत है उनके घातक हथियार, जिनमें से टॉप 5 सबसे जानलेवा हथियारों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें नंबर 1 पर है ज़ार एटम बम, जहां आज अमेरिका, भारत, जापान, ब्रिटेन, इजराइल और जर्मनी जैसे हर मिलिट्री सुपर पावर देश के पास परमाणु बम है, वहीं रूस के परमाणु बम का डर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका कारण है रूस का ज़ार बम, जिसे परमाणु बमों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है कि चुटकियों में एक बड़े महानगर को तबाह कर सकता है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी ये है कि 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था, तभी साल 1961 में रूसी वैज्ञानिकों ने इस बम को बनाया।
इस विशाल काय परमाणु बम की कैपेसिटी 100 मेगाटन थी, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगाटन के परमाणु बम से 4 गुना अधिक थी। लेकिन जब टेस्टिंग करने की बारी आई तो जार बॉम्ब की ताकत देखकर खुद रूसी वैज्ञानिक भी रूह उनकी कांप उठी और उन्होंने टेस्टिंग वाले बम की कैपेसिटी को आधा करके 50 मेगाटन कर दिया। मगर फिर भी अमेरिका हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। फिर 30 अक्टूबर 1961 के दिन सोवियत यूनियन ने इसे मित्सुखा बे नाम के एक वीरान आइलैंड पर ड्रॉप किया और आसमान में 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्फोट किया गया, क्योंकि अगर यह जमीन पर फटता तो यह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में ऐसी हलचल होती कि आसपास के इलाकों में भयंकर भूकंप आ जाता। दूसरा विनाशकारी हथियार है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। वहीं इसकी रेंज पूरे 200 किलोमीटर है। किंजल मिसाइल विस्फोट से तबाही तो मचाती हैं, इसके अलावा 500 किलोटन का परमाणु बम भी गिरा सकती है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मिसाइल की तैनाती रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने मिकोयान MiG-31 फाइटर जेट पर की है, जो कि इसे लेकर तेज रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और मिसाइल फेंक कर पलक झपकते ही वापस लौट सकता है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल में सेंसर और रडार सीकर्स लगे हैं, जो इसे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ शक्ति देते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल पिछले साल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ भी किया था। रूसी सैनिक इस मिसाइल को ड्रैगर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खंजर। ऐसा खंजर जो दुश्मन के सीने से आर पार चला जाए। और स्क्रीन पर आप 2018 में हुई इस मिसाइल की फर्स्ट टेस्टिंग के फुटेज देख रहे हैं। नंबर 3, बेलगोरोड न्यूक्लियर पनडुब्बी। जब से रूस ने दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन बेलगोरोड रोड को अपनी नौसेना में शामिल किया है, दुनिया भर में इसका खौफ है। इस विशाल सबमरीन की कैपेसिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर बम से लैस 6 टॉरपीडो लगाए गए हैं। बताया जाता है कि ये टॉरपीडो अपने साथ 2 मेगाटन परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैं, जिनकी क्षमता हिरोशिमा में फटे परमाणु बम से 130 गुना ज्यादा है। इस पनडुब्बी को बनाने का काम 1992 में शुरू हुआ और 27 साल बाद 2019 में यह पनडुब्बी बनकर तैयार हो पाई थी, जिसके बाद रूसी नेवी ने कई बार टेस्टिंग की और 2022 में इस पनडुब्बी को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर समंदर में उतार दिया। इसके अलावा रूसी सेना के पास कुल 110 सबमरीन्स हैं, जिसमें से कुल 12 सबमरीन्स परमाणु हथियारों से लैस हैं। नंबर 4 पर है 2S7 पियोन तोप, जिसे रूसी सेना तबाही का दूसरा नाम भी कहती है। 2S7 पायन न सिर्फ गोलियां बल्कि 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम के गोले भी दाग सकती है, इसलिए इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से भी जाना जाता है। रशिया यूक्रेन जंग में जब पुतिन ने यूक्रेन कीव के शहर के पास इन तोपों को तैनात किया था तो 32 देशों की शक्तिशाली नाटो सेना के भी पसीने छूट गए थे और उन्होंने दबे पांव अपने कुछ कदम पीछे खींच लिए थे। सोवियत यूनियन ने साल 1975 में इस तोप को दुनिया के सामने पेश किया और पहली बार इसका इस्तेमाल 1979 और 1989 के बीच सोवियत अफगान जंग में किया था। इस तोप की खासियत यह है कि 7 सैनिकों की टुकड़ी से सिर्फ 5 मिनट के हमले के लिए तैयार कर सकती है और 37 किलोमीटर दूरी तक अंधाधुंध गोले बरसा सकती है। वहीं रूस ने अब तक 1000 से भी ज्यादा 2S7 पायन तोपों का जखीरा बना लिया है। आखिर में 5वें स्थान पर है BM-21 ग्रेड मिसाइल लॉन्चर। 70 के दशक में सोवियत यूनियन ने इस मिसाइल लॉन्चर को डिजाइन किया और 1969 में दुनिया ने इसे पहली बार इस्तेमाल होते हुए देखा था। एक जंगी ट्रक पर माउंट किया गया यह मिसाइल लॉन्चर इतना पावरफुल है कि एक चुटकी बजाने जितने समय में इतनी मिसाइल फायर कर देता है कि दुश्मन को भागने का मौका तक नहीं मिल पाता। इसकी फायरिंग स्पीड AK-47 बंदूक से निकलने वाली गोलियों से भी तेज है और यह सिर्फ कुछ सेकंड्स में 40 मिसाइल्स एक साथ फायर करता है। रूस के पास इस वक्त 8000 से भी ज्यादा BM-21 ग्रेड मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनकी कैपेसिटी 3,20,000 मिसाइल्स लॉन्च करने की है, वो भी सिंगल शॉट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि रूस और अमेरिका में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है और जरूरत पड़ने पर भारत को अपने सबसे पुराने दोस्त रशिया या फिर नए दोस्त अमेरिका में से किसका साथ देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।